मिलकर चलेंगे। इत्तेहादियों का फैसला। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 30 अप्रैल को पंजाब में आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तीन बड़ी जमातों के सरबराहान ने दस्तियाब सियासी ऑप्शंस पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुल रहमान ने मुलाकात की। इस मुलाकात के हवाले से मुस्लिम लीग नून, JUFA और पीपल पार्टी समेत तीनों सियासी जमातों की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं से इस हवाले से राबता किया गया, ताहम उन्होंने ऐसी किसी भी मुलाकात के बारे में लाइल्मी का इजहार किया है। ताहम हुकूमती ज़राए ने दावा किया कि मुलाकात के दौरान आसिफ जरदारी ने तजवीज़ पेश की कि हुक्मरान इत्तेहाद को पंजाब और KPK में इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अजखुद नोटिस केस के फैसले के बाद इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। ज़राए का कहना था कि मुलाकात के दौरान इस बात पर इत्तेफाक राय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत के पास दोनों सूबों में इंतखाबात में मजीद तखीर का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, इसलिए पार्टी कारकुनान को इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत की जाए। तहम ज़राए का कहना है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें इनफरादी तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी या एक प्लेटफॉर्म से मैदान में उतरेंगी। तीनों रहनुमाओं ने हतमी हिकमत अमली तय करने से पहले मजीद मशावरत करने और इस अमल में दीगर इत्तेहादी शराकत दारों को शामिल करने पर इत्तेफाक किया है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राबता किया गया। एक सीनियर हुकूमती अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पंजाब और KPK में इंतखाबात में तखीर तुहीन अदालत के मुतरादिफ होगी और हुक्मरान इत्तेहाद को मजीद सियासी नुकसान भी पहुँच सकता है। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही किसी बहाने से इंतखाबात में तखीर कर सकती है, हुकूमत के पास अब ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। दूसरी जानब कुछ TV चैनल्स ने मुतजाद खबरें नशर की जिनमें दावा किया गया कि इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफ राय पाया गया। आसिफ जरदारी की जानब से इंतखाबात में हिस्सा लेने की तजवीज़ से मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने इतफाक नहीं किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि मुल्क में मौजूदा मुआशी बहरान की वजह से ये इनके लिए इंतखाबी मैदान में PTI का सामना करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने इंतखाबी हिकमत अमली पर हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान इख्तलाफ राय से मुतल्लिक इत्तला'आत पर तबसरा करने की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया।